हेलो गाइस, दिस इज़ मी प्रियांशु सिंह एंड दिस इज़ माय फ्रेंड, जिसे आप जानते होंगे, ऋषभ तिवारी। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं आया हुआ था अपने गांव, तो आज हम आए हैं घूमने। कहाँ? पत्थरों के बीच। पत्थरों के बीच नहीं, मदन महल फोर्ट। तो हमारे यहाँ पे एक जगह है मदन महल नाम से, तो हम वहाँ आए घूमने। यहाँ पे मतलब फोर्ट भी है, मैं कभी आया नहीं हूँ, तो मैंने सोचा आज पहली बार जाते हैं और व्लॉग भी कवर करते हैं, जो आपको मतलब जो वहाँ पे जैसा होगा वो आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं और फिर जैसा जैसा होगा वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बैलेंसिंग रॉक, मतलब एक पत्थर है, उसके ऊपर एक और पत्थर है जो सिर्फ एक छोटे से उस पर नोक पे टिका हुआ है ना भाई? बिल्कुल भाई। और मतलब फोर्ट भी है, जिसे मदन महल फोर्ट के नाम से बोलते हैं। तो चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं। क्यों ऋषभ भाई? बिल्कुल भाई। तो चलिए चलो, जहाँ जाओ। ओहो, दिस इज क्यूट। ये भी है, शेर मिलाया हमको। शेर का बच्चा। सस्ता वाला। अरे बहुत अच्छी लग रही है यार, इतने आराम में है वो, है ना? तो चलो ऊपर की तरफ चढ़ाई चालू करते हैं। जहाँ जाओ साला, वहाँ चढ़ाई ही चढ़ाई है। इसकी फोटो ले लेता हूँ, पकड़ लेता। अच्छा, फोटो लेगा? ले, हमारे ऋषभ भाई फोटो ले रहे हैं बिल्ली के साथ। बिल्ली के साथ फोटो नहीं ले रहा हूँ, बिल्ली की फोटो ले रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि पता है अगर उसका पंजा लग गया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे उसको। लेकिन प्यार से बैठी हुई है, भाग भी नहीं रही है वो। क्योंकि अगर उसका पंजा लग गया ना भाई तो तुम बस अंकल कहेंगे कहाँ गया था पंजा लगवाने। दोनों तरफ पत्थर ही पत्थर है और यहाँ सीढ़ियां हैं, जहाँ जाओ वहाँ चढ़ते ही रहो। हैं? क्यों? पिछली बार भी गए थे तो इतना दूर जाना पड़ा था। यहाँ तो देख, मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है यार। आज का मौसम भी अच्छा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, धूप इतनी है नहीं और ठंड भी इतनी नहीं है, लेकिन ये इसे पता नहीं क्यों, इसलिए हाफ पहनी है मैंने। अच्छा, है ना? और हाफ टी शर्ट भी पहनी है। बिल्कुल, शाम तक का भरोसा नहीं है, कभी भी मौसम बदल सकता है। बिल्कुल, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखिए। चलते हैं और ऊपर आगे चल के आपको दिखाते हैं, ठीक है भाई? फोर्ट दिखाते हैं। कृपया जूते चप्पल उतार के आइए, इसके अंदर मंदिर है क्या? हाँ, जय माता दी। पत्थर पे शायद ये वाला। तो पहले ऊपर ऊपर चलते हैं। एरिया में क्या? हाँ, पत्थर, इसमें पत्थर पे क्या? ये नहीं, पत्थर के बीच में है ये मंदिर। अच्छा, चल इसमें चले पहले या वहाँ से? पहले वहाँ चलेंगे, मेन जगह से। पहले फोर्ट से उतर के आएंगे गाइस, तब आपको दिखाएंगे मंदिर। मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर देखने में, कभी पहले ऊपर से आते हैं फोर्ट से घूम के, फिर अंदर से मंदिर के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सभी हम आ गए थे फोर्ट की तरफ और आते आते हम थक गए थे, तो बैठ गए दोनों भाई। हमारे ये रहे हमारे ऋषभ भाई, और ये देखिए ये फोर्ट है, पत्थरों के ऊपर बना हुआ ये फोर्ट, देख रहे हो आप? ये रानी दुर्गावती जी का फोर्ट है, और अभी तो काफ़ी मतलब तोड़ दिया यहाँ से पहले से। ये यहाँ पे भी पहले कुछ था, मैं तो आया नहीं था पहले कभी, तो अभी आया हूँ, तो ये भी मतलब काफ़ी पहले तोड़ रखा है, और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बना हुआ है फोर्ट, आप देख रहे होंगे जैसे कि। तो अभी चलते हैं हम फोर्ट के अंदर और फिर ऊपर चल के दिखाते हैं, यहाँ से हमारा पूरा जबलपुर दिखता है। और देख रहे हो मतलब कितना अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है, देख भाई ऋषभ, देख बादल और फोर्ट, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, यही की लाइफ मिली है। तो यू नो भाई, नहीं उधर कर रहा था पहाड़ों में। तो गाइस चढ़ रहे हैं ऊपर, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थरों में है। देख ये कैसी, अरे ये तो वाला कुंडी लगा सी। कुंडी लग, ये क्या है, तूने गिरवा दिया मुझे। ये निशानियां रानी की नहीं, निशानियां आशिकों की है। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से जबलपुर दिख रहा है, ऊपर चल के और दिखाते हैं आपको। अरे भाई नीचे हर्ष क्यों लिखा है, हर्ष क्यों लिखा है? हाँ।
कैसे कैसे थंबनेल में तेरी फोटो डालूंगा, टेंशन मत ले। ऐसे कहीं कर 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 करना कर। ये देखो ये यहाँ से नहीं, सच में यार पूरा मतलब जबरपुर दिख रहा है यहाँ से। अरे अभी तो ऊपर से वापस आ रहे हैं, तो अभी बाकी चलते हैं ऊपर और ऊपर चल के दिखाते हैं गाइस आपको। तो गाइस अभी हम आ गए फोर्ट के ऊपर, ज्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है ये, शुरुआत ही खत्म हो गया। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मतलब पूरा मतलब जबलपुर का पीछे का व्यू दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़, और यहाँ पे कुछ घर भी बने हुए हैं और वहाँ पे तालाब है, वहाँ पे तालाब है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ के। तू कहाँ चला गया? तू कहाँ चला गया? अंदर कहाँ जाएगा? ये तो बंद है। ये क्या है? पता नहीं है। भाई बाई चांस फोन गिरा ना नीचे जाएगा। ठंडी हो रही है, नीचे होल है ना भाई कुछ जाने के लिए। आ जाए यहाँ से, यहाँ चलते हैं बाहर। सो गाइस ये देखिए यहाँ से पूरा जबलपुर दिख रहा है पूरा, ये देखिए यहाँ से बस जबलपुर ही देखना और कुछ मत देख ले। गाइस यहाँ से पूरा जबलपुर तुझे तुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है? वो पता चलेगा अभी जब नीचे जाके शूट करेंगे ना, तब दिखेगा कुछ। अभी वहाँ देख, वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ का नहीं, तुम ऊपर वो देख जबलपुर। अच्छा जबलपुर। तो गाइस ये देखिए पूरा जबलपुर दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए बहुत प्यारा व्यू आ रहा है गाइस। और ये ताल मतलब इन्हें मतलब ताला भी कहते हैं यहाँ पे, ये शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी। एक सेकंड में जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस एक यहाँ पे भी है और एक वहाँ पे भी है, और चारों तरफ मतलब ये पूरा जबलपुर यहाँ से दिख रहा है पूरा। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा, मजा आ रहा है। अभी हम दोनों भाई आए तो और ज्यादा मजा आ रहा है। ये यहाँ पे भी पहले बहुत कुछ था जो पता नहीं क्या था, लेकिन वो तोड़ दिया गया है और वहाँ पे थोड़ा बहुत बना हुआ है फोर्ट का आधा पार्ट। बाकी जहाँ हम खड़े हैं ये पूरा फोर्ट था और ये पूरा पत्थरों के ऊपर है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं जैसे पुरानी मतलब कलाकारी की गई है इसमें, और काफी लोगों ने अभी भी कलाकारी करी है इसमें, जैसे ये आप देख सकते हैं। देखो छोड़ के गए हैं लोग है? कुछ पुरानी कलाकारी है और कुछ अभी की है। ऋषभ भाई आराम से पानी की टंकी भी थी क्या उस टाइम में? अच्छा इसमें ही बाबू राव का स्टाइल देते हैं। बाबू राव वाला नहीं, ये मेरा स्टाइल है। चलते हैं हम आगे की ओर और दिखाते हैं आगे, ये देखिए मतलब जो खोला हुआ। हाँ, तो ये देखिए मतलब जैसे कि पहले यहाँ पे मतलब जो डिजाइन्स बनाए गए थे पुराने टाइम के, रानी दुर्गावती जी के टाइम के डिजाइन्स, और ये सब कुछ मतलब पुराना है। आप देख सकते हैं ये जो पत्थर हैं सारे, मतलब सारी चीज़ें पुरानी है। काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है इसे देख के, जो मतलब हमारे पुरानी चीज़ों को उस टाइम के अभी भी प्रिजर्व है। हाँ अच्छा क्योंकि क्या मान्यता है क्या यहाँ से जाने की? देखिए वाह क्या लिख दिया कलाकारी, हिमाचल प्रदेश वहाँ से आके लिख के गए उत्तराखंड। हाँ, राजा थे ना ये। चूतिया के राजा। Maybe.
काफी अच्छा लग रहा है। जैसे पहले जब हम छोटे थे तो हम ऐसी जगह पे कूदते थे ना स्कूल में, बस इतनी बड़ी नहीं थी वो जगह। ऐसे जो छोटे छोटे पत्थर थे, ये देखिएगा यहाँ से पूरा फोर्ट नजर आ रहा है गाइस, क्या बात है, क्या लग रहा है। एक के साथ दो, एक का डबल, तीन 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 तीन, यहाँ पे सिंहासन में बैठ, एक सिंहासन में बैठेंगे। अच्छी जगह यार वैसे, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए सही है, लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं है गाइस, फिर भी अच्छा है, एक बार देखने आ सकते हैं जरूर। जो भी मतलब देखना चाहता है यहाँ पे रानी दुर्गावती जी के फोर्ट को, तो आ सकता है यहाँ पे, अच्छी जगह एक बार देखने के लिए। ये क्या है भाई नीचे है? नीचे क्या है इसके अंदर? बावली होगी पक्का, पता है यहाँ पानी भरा होता था। अच्छा, बावली बोलते हैं उस पर, यहाँ पानी भरता है। ये हम दोनों भाई देख रहे हैं, वहाँ से कूदे तो मजा ही आ जाएगा। हम दोनों भाई देख रहे हैं, देख यहाँ पे भी हैंगिंग हो प्रॉपर यहाँ पे। हाँ, शानदार आर्ट है ना। हाँ भाई, मतलब तो काफी अच्छी तरह से बनाया गया यार, यहाँ से होते पहले वहाँ से। तो गाइस आपने जैसे कि देख लिया होगा, और अभी हम चलेंगे बैलेंसिंग रॉक भी आपको दिखाएंगे, तो अभी चलते हैं और फिर आपको बैलेंसिंग रॉक भी दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड।